हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यदि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपके लिए मैं बहुत ही खास न्यूज लेके आ चुका हूं, क्योंकि इस न्यूज के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं जो कि आपकी प्रैक्टिकल की परीक्षाएं होने वाली हैं, क्या वो एग्जाम से पहले होंगी या एग्जाम से बाद में होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से एक और जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपकी जो प्रैक्टिकल की परीक्षाएं होंगी वो किस माध्यम से होगी, यानी कि ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। साथ ही साथ यदि आप यानी कि प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपकी जो प्रैक्टिकल की परीक्षाएं होने वाली है वो किस माध्यम से होगी, यानी कि ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मतलब वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 1 से 5 सितंबर के बीच होंगी प्रैक्टिकल की परीक्षाएं, यानी कि जो आपकी जो प्रैक्टिकल की परीक्षाएं होने वाली है उसका डेट क्लियर हो चुका है। उसका डेट है 1 से 5 सितंबर के बीच होने आए। ठीक है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स यहाँ से कि पॉलिटेक्निक में अंतिम वर्ष यानी कि 6वें सेमेस्टर के छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 से 5 सितंबर के बीच होंगी। ठीक है, यानी कि डेट आपका क्लियर हो चुका है। यहीं बताया जा रहा है कि यही परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएंगी। ठीक है, यानी कि परीक्षाओं का मेथड जो होगा आपका क्या होगा, ऑनलाइन मेथड होगा। यानी कि अब और बताया जा रहा है कि कोरोना के चलते प्राविधिक शिक्षा परिषद ने यह निर्णय लिया है। यानी कि बताया जा रहा है कि छात्रों को अधिक प्रोजेक्ट संस्था खोलने के बाद जमा करना होगा। यानी कि जो आप अपना प्रैक्टिकल यानी कि प्रोजेक्ट बनाएंगे वो जब संस्था आपका जो मतलब कॉलेज खुलेगा आप वहाँ पर जमा करेंगे, यानी कि सबमिट कर देना है। ठीक है, साथ ही साथ और बताया जा रहा है कि पॉलिटेक्निक के अंतिम वर्ष से जुड़े छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं कराने की तिथि जारी कर दी गई है, यानी कि आपका डेट जो है घोषित कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि राजकीय संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी संस्थान की होगी, यानी जो आपका कॉलेज होगा वही आपकी जो प्रैक्टिकल कॉलेज मतलब की परीक्षा कराएगा। ठीक है, बाकी और कोई नहीं करा सकता है। जबकि प्राइवेट संस्थान में राजकीय संस्थान से एक ऑब्जर्वर को नियुक्त किया जाएगा, यानी कि अगर आप यानी कि प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी जो कॉलेज में यानी कि वाइवा यानी कि प्रैक्टिकल कराने के लिए जाएंगे वो यानी कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से नियुक्त कर लिए जाएंगे जो कि आपका ऑब्जर्वर होंगे। ठीक है, और बताया जा रहा है कि फ्रेंड्स परिषद सचिव संजीव कुमार सिंह के मुताबिक छात्रों को 31 अगस्त तक अपने प्रैक्टिकल तैयार करने होंगे। यानी कि जो आपका प्रैक्टिकल तैयार करने का लास्ट डेट है वो कितना होगा, 31 अगस्त तक होगा। इसमें इंजीनियरिंग से जुड़े यानी कि 54,719 और फार्मेसी से जुड़े 12,861 यानी कि टोटल जो स्टूडेंट्स होंगे वो हो जाएंगे 67,580 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो आपके इस मतलब कि प्रैक्टिकल की परीक्षा में शामिल होंगे। ठीक है, साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि संजीव कुमार सिंह के मुताबिक परीक्षक ऑनलाइन माध्यम से परीक्षाएं लेंगे। ठीक है, जो आपकी प्रैक्टिकल की परीक्षाएं होंगी वो ऑनलाइन मेथड से होंगी। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि और छात्रों को प्रोजेक्ट संबंधित प्रेजेंटेशन भी देनी होंगी, यानी कि आप जो प्रोजेक्ट जिस सब्जेक्ट में मतलब कि बनाएंगे उसके माध्यम से उसी में से क्या करना होगा, आपको प्रेजेंटेशन देना होगा। उन्होंने बताया कि छात्रों को संस्थान खुलने के बाद ही प्रोजेक्ट जमा करना अनिवार्य होगा, यानी कि जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो यानी कि जब आपका कॉलेज खुल जाएगा तो आप अपना प्रोजेक्ट यानी सबमिट कॉलेज में कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।